श्रीकाल बच्चों, की हाल चाल ने थोड़े थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। आपा कर रहे सी तीजी जमात मेरी दुनिया किताब का तीजा पाठ, साडे सहयोगी किताकार। चलो अगे वधदे हां। गुरुद्वारा साहिब विच पाठ करन वाले ग्रंथी ने अरदास कीती अते सारी बरात मत्था टेक के तुर पई, पर मेरे माता जी बरात नाल नहीं जा रहे हन। ओना ने घर विच काम कार संभालना है। पहला भी सारा घरेलू काम मेरे माता जी ही संभालते हन। पापा जी ने सारियां गड्डियां दे ड्राइवरां नू हदायत दिती कि कोई भी ड्राइवर गड्डी तेज नहीं चलाएगा। ता होया कि हुन मेरे व्याह, मेरे वीर जी दा व्याह सी, घरे व्याह तरिया होया सी। ता हुन जद व्याह दा दिन आ गया, जद बरात ने जाना सी, ता गुरुद्वारे दे जेड़े ग्रंथी सी उन्होंने आके पाठ किया, सारिया ने मत्था टेकिया ते बरात चलन ना शुरू हो गई। पर ओ दस्ते ने भी मेरे माता जी नहीं गए क्योंकि पिछे बहुत सारे काम काज सी, ते उन्होंने ओ घर दे जिवें काम करते ने हर रोज, उदन भी उन्होंने बहुत सारे काम देखने सी, घर दे घर संभालना सी। ते हुन की होया, जेड़े पिता जी ने उन्होंने सारिया नू कार च बिठाया ते सारे ड्राइवरां नू दरखास्त कीती भी कोई भी गड्डी तेज नहीं चलाएगा, सारे नाल नाल तुरंगे ते आपा भजना नहीं है। अगे वधदे आ, बरात शहर दे चौंक विच पहुंच गई है। एथे बहुत ज्यादा भीड़ है। एक व्यक्ति वारी सिर गड्डिया नू लंघाउण लई इशारा कर रहा है। उसके गल विच सीटी पाई हुई है। मेरे मास्टर जी ने दसिया कि यह व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस वाला है। ता होया कि जद बरात निकल गई शहर वाल नू जा रही सी, उत्थे चौंक ते पहुंची ते उत्थे बहुत सारी भीड़ सी, उत्थे बहुत सारे लोग सी। ते एक बंदा सारे ट्रैफिक नू चला रहा सी, इधर उधर भेज रहा सी। ते फिर ओ मुंडा कहिंदा वी मेरे मास्टर जी ने दस्या सारियां नू वी ए जिहड़ा ट्रैफिक संभाल रहा है, जिहड़ा गड्डियां दी देख रहा है वी किधर नू जानियां ने, इह ट्रैफिक पुलिस वाला हैगा, इहदी आही काम है, आही ड्यूटी है। अगे गल्लां करदे करदे बरात पैलेस विच पहुंच गई। बरात नाल आए बैंड बाजे वालिया ने बैंड बजाना शुरू कर दिता। बरात का खूब स्वागत किया गया। गेट विच एक व्यक्ति खड़ा है जिसने खाकी रंग दी वर्दी पहनी हुई है। मेरे चाचा जी ने दसिया कि यह व्यक्ति पैलेस का चौकीदार है। पैलेस विच कुछ व्यक्तियां ने इको जेहे कपड़े पहने हुए हन। ओह सब लोका लई खान पीन वालियां वस्तुआं लेके आ रहे हन। मेरे फुफड़ जी ने दसिया कि ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪੈਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦ ਪੈਲੇਸ ਪਹੁੰਚੇ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਖੂਬ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੇਟ ਤੇ, ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਨਾਲ, ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਲੇਸ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਪੈਲੇਸ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਭ ਦਾ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੇ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਰਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ। ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਰਾ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ, ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਾਇਲਟ ਹੈ।
हवाई जहाज उड़ाउंदा है। मेरी भैन वो एक डॉक्टर है। ठीक है बच्चों, तुसी अपने परिवार के मेंबरां दी भी इंजी गल कर सकते हो। अगे वधदे हां आपां। इत्थे लिखिया है, मैं अपने चाचा जी नाल उठ के पैलेस दे गेट कोल आ गया। उत्थे कुछ बच्चे गुब्बारे बेच रहे सन। कुछ बच्चे मेरे चाचा जी तो पैसे मंगण लग पए। चाचा जी ने बच्चों नूं पुछया कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते। एक बच्चे ने दसिया कि उसका स्कूल जाण नूं बहुत दिल करता है, परंतु उसके पिता जी बीमार रहिंदे हन। घर का गुजारा चलाउण लई उसनूं भी काम करना पैंदा है। एक होर लड़की ने दसिया कि उसके भरा नूं तां स्कूल भेज दिता जाता है, पर उसनूं अते उसदी भैण नूं स्कूल नहीं भेजा जाता। हुण की होया, बरात अंदर आ गई सी पैलेस ते, खाना पीना हो गया सी। फिर की हुंदा है, वो बच्चा अपने चाचा जी नाल उठ के पैलेस दे गेट ते चला जाता है। जदों ही वो गेट तो मुरे बाहर निकलते ने, उत्थे कुछ बच्चे गुब्बारे वेच रहे सन। फटाफट उन्हां कोल कुछ बच्चे पैसे मंगण आ गए चाचा जी तो। ते चाचा जी ने उन्हां तो पुछया भी बच्चो तुसी स्कूल क्यों नहीं जाते, पढ़ाई क्यों नहीं करते। तां इक बच्चे ने दस्या कि उहदा स्कूल जाण दा बहुत चित करदा है, पर उहदे पिता जी बीमार ने ते घर च कमाई नहीं हो सकदी क्योंकि उहदे पिता जी बीमार ने, होर कोई कमाण वाला नहीं है। इसे लई घर दा गुजारा करन लई उहनूं पैसे कमाने पैंदे ने ते काम करना पैंदा है। एक होर कुड़ी आई, वो कहंदी भी मेरे भरा नूं तां स्कूल भेज दिता जाता है, बट असीं कुड़ियां नूं नहीं स्कूल भेजा जाता, सानूं काम करन लई बाहर भेजा जाता है। अगे देखते हैं बच्चों। खिडौने वेचण वाली एक लड़की ने दसिया कि उसकी माँ अपने काम ते चली जाती है अते वो घर जाके घर का सारा काम करती है। ते उत्थे एक कुड़ी खिडौने वेच रही सी ते उन्हें दसिया भी पढ़ाई का जे गल की जाए तो मैं अपनी गल दसदी हाँ भी मेरी माता जी भी काम ते चले जाते हैं ते पिछों काम करन वाला कोई भी नहीं है। तो फिर इथों खिडौने वेचण तो बाद मैं घर जाती हाँ ते घर का सारा काम आप करती हाँ। मेरे चाचे की बेटी भी साढ़े कोल पहुंच गई। उसने कहा कि आओ रोटी खा लईए। मेरे चाचा जी ने इन्हां बच्चों लई भी रोटी मंगवा दी थी। जदों तक असी सारिया ने रोटी खाधी, शाम हो चुकी सी अते बरात वापस तुर पई। असी खुशी खुशी घर आ गए क्योंकि असी हुण जान लिया सी भी ये सारे बच्चे गरीब ने, मजबूरी दे मारे ने। ते इन्हें नूं जद गल्लां कर रहे सी बच्चिया नाल, असी चाचा जी दी बेटी आ गई ते उन्हें सानू सद लिया भी आ जाओ तुसी खाना खा लो। ते मेरे चाचा जी, क्योंकि वो बेचारे बच्चिया नाल बहुत प्यार पै गया सी, ते उन्होंने रोटी उन्होंने लई भी मंगाई बच्चिया लई, उन्होंने दिती रोटी। ते इन्हें नूं रोटी खांदे खांदे शाम हो गई सी ते असी खुशी खुशी हुण वापस घर नूं जा रहे सी क्योंकि विआह खत्म हो गया सी। अगे, अपने आले दुआले जे अजिहे बच्चिया दा पता लगाओ जो स्कूल नहीं जाते हन, अजिहे बच्चिया बारे अपने अध्यापक नाल चर्चा करो। बच्चों हुण तुहाडा काम है अपने आले दुआले पता लगाना भी जेड़े बच्चे स्कूल नहीं जाते ते क्यों नहीं जाते, ये चर्चा तुसी अपने अध्यापक नाल करो। इत्थे गल दसी गई है अध्यापक लई। सिक्ख्या दे अधिकार नूं ध्यान विच रखदे होए अध्यापक सिक्ख्या सब दा हक है विषय उत्ते सरल भाषा विच विद्यार्थियों नाल चर्चा करे। बच्चों हुण सरकार ने एक कानून बना दिता है जिदा नाम है सिक्ख्या सब दा हक है। किसी नूं भी सिक्ख्या या पढ़ाई लई ना नहीं कीती जा सकती। तां जिहड़े बच्चे नहीं पढ़ सकते, जिन्हां कोल पैसे नहीं है, उहनां नूं स्कूल छोटे बच्चों नूं मुफ्त च पढ़ाई कराउंदा है सरकारी स्कूल ते किताबां भी दिंदा है। तां टीचर तुहानूं दस्सणगे वी इह बहुत जरूरी है हर कोई पढ़े लिखे समझे। ते इही गल दस्सी गई है वी तुहाडे टीचर तुहानूं आ गल समझाणगे। ते मैं उम्मीद करदी हां तुहानूं समझ आ गई है वी सिक्ख्या सब दा हक है, किसी नूं भी मना नहीं किया जा सकता। अगे हैगी है याद रखने योग गल्लां। वक वक काम करन वाले लोग किताकार हन, काम करके किताकार पैसे कमाते हैं।
धोती, किसान, ड्राइवर, मिस्त्री, पायलट, मोची आदि किताकार हैं। ठीक है बच्चों, अगे है गए प्रश्न। गुब्बारे वेचन वाला बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा? आ देखो, एक बच्चे ने दसिया कि उसका स्कूल जान नू बहुत दिल करता है, परंतु उसके पिताजी बीमार रहते हैं ते घर का गुजारा चलाने लिए उसनु काम करना पैंदा है। गुब्बारे वेचन वाला बच्चा स्कूल नहीं जा रहा क्योंकि उसके पिताजी बीमार रहते हैं। अगे कि लड़कियां नू स्कूल पढ़न ना भेजना चंगी गल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चंगी गल नहीं, नहीं एहे चंगी गल नहीं है। ये बिल्कुल गलत गल है भी कुड़ियां नू स्कूल ना भेजा जाए। अगे वधदे हां बच्चों, चौकीदार की काम करता है? चौकीदार या फिर तुसी कह सकते हो गार्ड, जगह दी कोई भी थां होए बच्चों। शाम नू साडे घर भी तां आंदा राती जद रखवाली करन, तां आपां लिखांगे जगह दी रख्या करता है। अगला, ट्रैफिक पुलिस वाला की काम करता है? ट्रैफिक पुलिस सड़क ते ट्रैफिक कंट्रोल या फिर सांभती है, कंट्रोल करता है। अगला है गायक की काम करता है? ना, गायक की काम करता है ओहो गाने गाउंदा है। चलो इथे लिख लईए, गायक गाने गांदा है। गाना गाउंदा है। एदे नाल तुसी ये भी लिख सकते हो कि ओहो सानू मनोरंजन भी करांदा है। ठीक है, अते मनोरंजन या फिर साडा मनोरंजन करदा है। अगे है मिलान करो। मिठाई बनाउन वाला उनु की कहिदा है? हलवाई। दूध वेचन वाला दोधी। कार दी उसारी करन वाला मिस्त्री। खेत विच फसला उगाउन वाला किसान। मरीजां दी देखभाल करन वाली नर्स। सही उत्तर अगे वाला निशान लाओ। जुतियां कौन गांडदा या बनाउंदा है? मोची, मिस्त्री या दर्जी? मोची। कपड़े सियोण वाले नू की कहंदे हन? मोची, दर्जी या मिस्त्री? दर्जी। जहाज उड़ाउन वाले नू की कहंदे हन? ड्राइवर, दुकानदार या पायलट? पायलट। खाली थावां भरो। डॉक्टर, चौकीदार, अध्यापक। रखवाली करन वाले नू चौकीदार कहते हैं। अध्यापक या अध्यापका स्कूल विच पढ़ाउंदी है। मरीजां दा इलाज डॉक्टर करता है।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਾਰਟ ਤੇ ਚਿਪਕਾਓ। ਤੇ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਥੇ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਦਰਜੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਮੋਚੀ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।